ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आज ही मंडे नाइट रॉ के बारे में, जिसे देखने के बाद आई एम श्योर आपके दिमाग में काफी सारे सवाल होंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने आज का रॉ का एपिसोड नहीं देखा तो इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां से वो सही बातें जान पाएंगे जो आज हमें रॉ के एपिसोड में देखने को मिली। तो सवाल ये कि आखिर रोमन रेंस को बिल्डिंग से बाहर क्यों निकाला गया, रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेस्नर का क्यों हमें फेस ऑफ देखने को नहीं मिला, रोमन रेंस ने आकर क्यों कर्ट एंगल की हेल्प नहीं करी, ब्रॉक लेस्नर ने क्यों कर्ट एंगल एंड पॉल के ऊपर अटैक किया, तो आज के इस एपिसोड में इन सभी सवालों के मैं आंसर करने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। तो अगर आपने मंडे नाइट रॉ बिल्कुल सही तरीके से देखी तो आपको याद होगा बैक स्टेज में एक सेगमेंट देखने को मिला था जहां पर बैरन कॉर्बिन एंड कर्ट एंगल थे और बैरन कॉर्बिन कर्ट एंगल को फोन देते हैं, जहां पर वो फोन होता है स्टेफनी मैकमैन का और स्टेफनी मैकमैन वहां पर बात करती है कर्ट एंगल से। अब एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या था वो हमें उस वक्त पर समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में बैक स्टेज एक और सेगमेंट देखते हैं जहां पर कर्ट एंगल आते हैं, बैरन कॉर्बिन आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं और वो रोमन रेंस को बिल्डिंग से ले जाते हैं और कर्ट एंगल ये कहते हैं कि स्टेफनी मैकमैन की तरफ से ऑर्डर आए कि आपको बिल्डिंग से बाहर निकाला जाए क्योंकि इस समय ब्रॉक लेस्नर भी यहां पर मौजूद। तो ऐसा हुआ क्यों था? तो WWE ने स्टोरी लाइन में यह दिखाने की कोशिश करी थी कि वो समर स्लैम के मेन इवेंट जो कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेस्नर के बीच होने वाला उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर गलती से भी रोमन रेंस और ब्रॉक लेस्नर आमने सामने आ गए तो हो सकता है ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को हर्ट कर लें और जिसके चलते समर स्लैम के मैचेस में बदलाव भी करने पड़ सकते हैं। तो इसी के चलते WWE ने स्टोरी लाइन में दिखाया था कि रोमन रेंस को बिल्डिंग से इसलिए निकाला गया ताकि रोमन रेंस और ब्रॉक लेस्नर आपस में ना भिड़ जाएं। तो ये तो था WWE का स्टोरी लाइन एंगल, लेकिन वाकई में रीजन क्या था कि रोमन रेंस को बिल्डिंग से बाहर निकाला गया? तो ऑब्वियसली इसके पीछे रीजन था कि ब्रॉक लेस्नर एंड रोमन रेंस के अभी फेस ऑफ को WWE थोड़े और टाइम तक के लिए डिले करना चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग जानते हैं समर स्लैम होने में अभी थोड़ा सा टाइम है और रॉ के काफी सारे एपिसोड्स होने वाले हैं, तो इसके चलते WWE रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेस्नर के फेस ऑफ को शायद किसी अगली रॉ के एपिसोड में जब कभी भी ब्रॉक लेस्नर आते हैं उस रॉ के लिए बचाना चाहती है। इसके अलावा इसी रीजन के चलते रोमन रेंस कर्ट एंगल को बचाने भी नहीं आए, क्योंकि अगर रोमन रेंस बचाने आ जाते कर्ट एंगल को तो वहां पर हमें ब्रॉक लेस्नर एंड रोमन रेंस का कन्फ्रंटेशन देखने को मिल जाता। अगला सवाल यहाँ पर ये कि आखिर क्यों ब्रॉक लेस्नर ने अपनी एडवोकेट पॉल हेमन और रॉ के जनरल मैनेजर कर्ट एंगल के ऊपर अटैक किया? तो इसका यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि WWE ब्रॉक लेस्नर को बहुत ही बुरा वाला हील सुपरस्टार दिखाना चाहती है, क्योंकि अगर ब्रॉक लेस्नर अपने ही साथ ही अपनी एडवोकेट पॉल हेमन को नहीं छोड़ रहे तो यहीं पर WWE ये जताना चाहती कि एक तो ब्रॉक लेस्नर अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो रिंग में भी नहीं उतर रहे और ऊपर से अपनी साथी के ऊपर अटैक कर रहे हैं और इवन रॉ के जनरल मैनेजर को भी उन्होंने नहीं छोड़ा जो कि एक बेबी फेस है। तो WWE यहाँ पर बेसिकली ब्रॉक लेस्नर को हील दिखाना चाहती है और ब्रॉक लेस्नर के हील दिखने से होगा क्या? ब्रॉक लेस्नर के हील दिखने से होगा ये कि रोमन रेंस एज अ बेबी फेस ऊपर आ सकते हैं, हालांकि इसमें थोड़ी दिक्कत है बट स्टिल कह सकते हैं WWE का कहीं ना कहीं ये मूव सही साबित हुआ, क्योंकि जब मैं शायद लाइव रॉ देख रहा था तो कहीं ना कहीं रोमन रेंस जब अपने प्रोमो कट कर रहे थे, इसके अलावा जब भी ब्रॉक लेस्नर ऐसे कारनामे कर रहे थे तो ब्रॉक लेस्नर को वहां पर तगड़ी बू झेलनी पड़ी थी और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फैंस रोमन रेंस के सपोर्ट में भी थे, ज्यादा नहीं, कई कई मौकों पर रोमन रेंस को बू भी मिल रही थी, लेकिन बट स्टिल पहले से रोमन रेंस को जो रिएक्शन मिला वो मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर था। तो WWE का यहां पर कहीं ना कहीं मूव सही साबित हो रहा है और अब देखते हैं आगे कितना और ज्यादा सही साबित होता है। लेकिन ये बात तो यहाँ पर कंफर्म है कि जिस तरह से WWE ब्रॉक लेस्नर को फिलहाल बुक कर रही है, इसके चलते ब्रॉक लेस्नर को काफी ज्यादा बू एंड हेट मिलने वाली है और इवन फिलहाल ब्रॉक लेस्नर को काफी ज्यादा हेट और बू भी मिल रही है। तो बस ये थे आपके क्वेश्चंस एंड मेरे आंसर्स, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो जल्दी से कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट करके आप मुझे बताना कि ब्रॉक लेस्नर एंड रोमन रेंस की इस पूरी स्टोरी लाइन के बारे में आपका क्या कहना है। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।